गुड मॉर्निंग बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सिविक्स का यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है व्हाट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन या प्रीफेस। अब जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, तो कोई भी एक बुक होती है उसका सबसे पहला पेज उसका इंट्रोडक्शन होता है, तो वही इंट्रोडक्शन प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल हमारी कंट्री में क्या क्या चीज़ कैसे चलेगी इसके बारे में बहुत शॉर्ट में डिटेल देता है। जैसे कि इसमें लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमेनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू अ सर्वोजन सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू द सेक्युलर ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स। अब ये देखो कि ये जो वर्ड्स हैं इनका डिटेल में यहाँ पे मीनिंग दे रखा है। लेट अस लुक क्लोजली एट दीज टर्म्स। इन टर्म्स को हम देखते हैं। सबसे पहला है सॉवर्जिनिटी। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था सॉवर्जिनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। ठीक है, बेसिकली सॉवर्जिनिटी का मतलब यही है कि जो भी कोई भी इंसान है उसको पूरी स्वतंत्रता है, उसको पूरी फ्रीडम है कि उसे अपने काम इस देश में कैसे करने हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता और उसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो उसका मन है वो करेगा। दैट इज द फ्रीडम टू गवर्न वनसेल्फ विद इन अ टेरिटरी। इस टेरिटरी के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर उसको पूरी छूट है, वो जो चाहे वो कर सकता है, बस वो लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं होने चाहिए वो। ठीक है, नेक्स्ट है सोशलिज्म। तो बेसिकली सोशलिज्म का ये मतलब है कि कंट्री में सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी रहे, यानी कि कंट्री में सोशल प्रीफेस में भी और इकोनॉमिक में भी एकता रहे। सोशल में ऐसे कि सबका कल्चर, हर रिलीजन का कल्चर फॉलो हो और लोगों को एक दूसरे से बिल्कुल भी लोगों को चिढ़ ना हो, सोशली वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये है कि जो अमीर है और जो गरीब है उनके बीच का डिफरेंस मिटाया जाए, सबको इक्वली लाया जाए, जबकि ये बहुत मुश्किल है हर एक इंसान को इक्वली, जैसे किसी गरीब को अमीर करना या फिर किसी अमीर को, मतलब किसी गरीब को एवरेजली इनकम के लेवल पे लाना या किसी अमीर की इनकम कम करना, ये बहुत मुश्किल है। पर फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही कहता है कि कोई इंसान ऐसे कंट्री में गरीब नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है कि वी हैव टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, मतलब कि रिच और पुअर के बीच का गैप कम करना चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि कोई एक रिलीजन इस कंट्री में फॉलो नहीं होगा, सभी रिलीजन को इक्वली मान्यता दी जाएगी फॉलो होने की, यानी कि आपको क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी है आप वो कर सकते हैं, हिंदुइज्म कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। लास्ट क्लास में जो आपकी पिछली क्लास है उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और इस गवर्नमेंट के अंदर लोग वोट करके अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं। तो ये इसी में ये बता रखा है कि जो लोग हैं वो अपना नेता खुद चुनेंगे वोट करके। रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो हेरिडिटरी नहीं होगा, यानी कि वो खुद से ही नहीं आएगा, वो किसी की फैमिली, जैसे कोई पहले से है नेता तो ये नहीं है कि उसका बच्चा ही नेता बनेगा, जैसे राजा का बेटा राजा होता है, ये कुछ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे लोग ही सेलेक्ट करेंगे इलेक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है एकता। हर चीज में एकता होनी चाहिए, यानी कि इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल इंडिविजुअल। सबका स्टेटस इक्वल होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सभी बच्चों को पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तभी हमारी गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स निकालती है पढ़ाई से रिलेटेड। नेक्स्ट है रिमूवल, मतलब नेक्स्ट इसमें ही पॉइंट है कि रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वही कि किसी भी इंसान को हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे उसका रंग कुछ भी हो, उसकी कास्ट कुछ भी हो, उसका रिलीजन कुछ भी हो, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। नेक्स्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हम लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं कि हाँ ये हमारा राइट है, हम इसको खुलेआम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मैंने आपको भी बताया था कि बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना ही कास्ट के बेस पे, ना ही कलर और ना ही रिलीजन। कास्ट मैंने आपको बताया था धर्म जाति और रंग के बेस पे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कंट्री में, ये हमारा राइट है। कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो हम जाके उसकी पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं या हम उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि किसी की, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर दिया, यानी कि किसी को परेशान करना या किसी की ज़िंदगी ख़राब करना। जैसे कि आजकल छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 14 साल से छोटे बच्चे, उन्हें लेबर की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि घर बनाने में वो बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो ये दिस इज़ कॉल्ड चाइल्ड लेबर एंड इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये नहीं कर सकते हैं, ये एक पनिशेबल क्राइम है। कोई चाइल्ड लेबर कराएगा या कोई फोर्स लेबर कराएगा, जानबूझ के किसी से काम कराएगा जबकि वो इंसान चाहता नहीं है, तो ये क्राइम में घोषित होगा। और चाइल्ड लेबर तो वैसे भी क्राइम होता ही है, आप बच्चों से काम नहीं करा सकते। बच्चे को पढ़ाई करनी होती है, वो पढ़ाई करेगा, वो कोई काम नहीं करेगा ऐसा कि जो उसे पैसे कमाने हैं उस काम से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बेसिकली ये, देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपने देखा होगा, आपने काफ़ी केसेस ऐसे सुने होंगे कि उस औरत को बेच दिया या उस लड़की को बेच दिया। तो कोई इंसान किसी को ऐसे खरीद के बेच नहीं सकता, हम सब लोग इक्वल हैं, कोई किसी को ऐसे खरीद के बेच नहीं सकता। और अगर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेगा, यानी कि किसी को उठा के किडनैप करना और फिर उसे किसी को बेच देना, तो ये भी एक ये क्राइम है, इसको आप नहीं कर सकते। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि जो आपका मन है आप वो रिलीजन फॉलो करो। बहुत लोग होते हैं बॉर्न कुछ भी होते हैं, बॉर्न क्रिश्चियन होते हैं, बाद में अपना धर्म चेंज कर देते हैं, तो वो उनके ऊपर है, उसमें वो उनका राइट है, उनको जो धर्म अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट। अब ये बोलता है कि हर एक धर्म को, हर एक कास्ट के बच्चे को राइट है कि वो एजुकेशन का फ़ायदा उठा सके और अपने कल्चर को फॉलो कर सके। यानी कि जैसे कोई माइनॉरिटी है, कोई छोटी कास्ट है, कोई बड़ी कास्ट है, तो पहले ज़माने में बहुत लफड़े होते थे कि छोटी कास्ट वाले पढ़ेंगे नहीं, छोटी कास्ट वाले कुछ नहीं कर सकते। पर अब जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है, यानी कि रिपब्लिक डे से, मैंने आपको डेट भी बताई थी, 26 जनवरी 26 जनवरी 1950, तो उस दिन के बाद से कोई भी किसी भी छोटी कास्ट वाले को कोई कुछ कह नहीं सकता। उसे पूरा राइट है कि वो एजुकेट हो, वो पढ़े लिखे और जो उसे करना है वो करे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बेसिकली ये कहता है कि आपके कोई भी ये राइट एक्सप्लॉइट करे या कोई भी आपको इन राइट के खिलाफ कुछ भी कहे, यानी कि कोई आपको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, कोई आपको आपकी फ्रीडम नहीं लेने दे रहा है। जैसे कोई किडनैप करके ले जाते हैं तो उसकी फ्रीडम छिन जाती है। कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, यानी कि आपसे कोई फोर्स लेबर करा रहा है, चाइल्ड लेबर करा रहा है, तो ये भी। और कोई आपको अपना रिलीजन फॉलो करने नहीं दे रहा है, तो आप उसके ऊपर कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब आप ये देखो, राइट्स हैं कुछ तो हमारे और कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट थी 1976 में। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो देश प्रेम फैलाए। कि फंडामेंटल ड्यूटी हमारी यही है कि हमारा देश हमेशा अच्छा, मतलब हमारे देश में कोई भी डिस्प्यूट ना हो और हमारे देश में प्रेम रहे, हम सब भाई बहन हैं और हम सब प्रेम से रहें, हर कास्ट और रिलीजन सब लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं और सब प्रेम से रहें। ठीक है, तो इट प्रमोट पेट्रियाटिज्म। पेट्रियाटिज्म का मतलब होता है देश प्रेम। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज रिक्वायर्ड टू द सिटीजन आर, अब देखो क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट है, ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं मैंने आपको बताए थे, ये सब आइडियल्स, इन सबको भी रिस्पेक्ट करना और इन्हें फॉलो करना। सेम यही है, प्रोटेक्ट द सॉवर्जिनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ आर कंट्री। सिमिलरली मैंने आपको बताया था, ये सबको, इन सबको फॉलो करना और इन्हें रिस्पेक्ट करना। ठीक है, और एक है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, शो आर पेट्रियोटिज्म बाय डिफेंडिंग आर कंट्री ड्यूरिंग नीड्स। अब कोई आपसे आप ही कंट्री के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, तो आप देश प्रेम दिखा के उसे, अपनी कंट्री को डिफेंड करें, यानी कि अपनी कंट्री के पक्ष में बोलें। और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप एक इंडियन सिटीजन है और आप अपनी कंट्री के लिए बोल रहे हैं, तो इससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती। क्योंकि बाहर के लोग हमेशा यही चाहते हैं कि दूसरा देश बर्बाद हो जाए। मोस्टली बहुत सी कंट्रीज ऐसी भी हैं जो हमारी फ्रेंड कंट्रीज है, पर बहुत सी कंट्रीज ऐसी भी है जो कि हमारी एनिमीज है, स्पेशली बॉर्डर कंट्रीज। नॉट ऑल बॉर्डर कंट्रीज, बट येस सम बॉर्डर कंट्रीज आर आर एनिमीज। तो हमें उन सबके सामने अपने देश के पक्ष में ही बोलना चाहिए, कभी भी अपने देश के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। फिर नेक्स्ट वही है, ब्रदरहुड, यानी कि भाई मैंने आपको भी समझाया था, भाई हम सब लोग भाई बहन हैं और हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, ये यही प्रमोट करता है।
एक ये दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट्स, एक ये पॉइंट कहता है कि हमें कभी भी डाउरी, अल्कोहल या ड्रग्स इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे डाउरी आपको पता है दहेज लेते हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती और ये होती भी नहीं है अच्छी प्रैक्टिस, तो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अल्कोहलिज्म, लोग शराब पीते हैं, शराब पीना सेहत के लिए भी बहुत बुरा होता है और आगे जाके आपकी लाइफ भी ख़राब कर सकते हैं, इसे शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। ड्रग एडिक्शन, ड्रग वही है शराब की तरह ही, ड्रग से भी नशा ही होता है, ये भी आपकी लाइफ बहुत ख़राब कर सकता है। और गैम्बलिंग, ये कहते हैं जुए को, तो जुआ भी हमारे हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। जुए में कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो हमें उसे करनी चाहिए, सब कुछ ही बेकार है जुए के अंदर, पैसे हारना भी और पैसे जीतना भी, क्योंकि ये एक क्राइम है और ये अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए। नेक्स्ट स्टेप, टू प्रिजर्व रिच कल्चरल हेरिटेज। रिच कल्चरल हेरिटेज आप देखेंगे कि यूजुअली बाकी सारी कंट्रीज में कुछ ऐसा नहीं होता, जैसे कि उनका अपना एक अलग अलग कल्चर है और हमारा भी, पर हमारा कल्चर उनसे ज़्यादा रिच है। जैसे आपने सुना होगा इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे, फिर यहाँ इतने सारे राजा महाराजा रहे, सब ने राज किया, उसके बाद यहाँ ब्रिटिशर्स आए, फिर लड़ाई हुई, फिर आज़ाद हुए, फिर ये हमारी हेरिटेज है, ये हमारा कल्चर है। और हमारा कल्चर में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, हर स्टेट का अपना अलग फेस्टिवल आता है, तो हमें इस सब को प्रिजर्व करना चाहिए, यानी कि हमें अपना कल्चर बचाना चाहिए क्योंकि हमारा कल्चर बहुत रिच है। लास्ट है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट फोर। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट फोर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइडेड है काफ़ी सारे पार्ट्स में, बेसिकली शायद 7 या 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पार्ट फोर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये वो रूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए देश को चलाने के लिए। इस रूल के अंदर भी यही सब लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, वही मैंने आपको पहले बताया था कि रिच और पुअर का गैप कम करो और सोशली सब लोगों को इक्वल रखो। एम टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, यानी कि कोई छोटी कास्ट का है बड़ी कास्ट का है मतलब नहीं है, सबको एजुकेशन मिलेगी, सबको सब कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। एलिमिनेट इनइक्वालिटीज, हर तरीके की इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट कर देना है, यानी कि हर तरह की इनइक्वालिटीज को हटाया जाए। और रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, वही लोगों जो गरीब है उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना, यानी कि उन लोगों को उनकी जो उनके पास जरूरत जो उनकी ज़रूरत है उनको पूरा करना, ये एक गवर्नमेंट के काम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। किसी को कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में से तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी जो कि आपको खुद से करने होंगे इस चैप्टर में से, तो आप वीडियो अच्छे से सुन लें फिर से 1-2 बार।